कल से शुरू होगी श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा। जम्मू के आधार शिविर से रवाना होगा पहला जत्था। लखनपुर से लेकर कश्मीर तक सुरक्षा में हुआ इजाफा। यात्रियों के तत्काल पंजीकरण की हुई शुरुआत। वैष्णवी धाम में मिल रहे हैं टोकन। महाजन हॉल में पंजीकरण। प्रशासन से सुविधाओं में कुछ और बेहतरी लाने का सुझाव। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा ईद का त्योहार। जम्मू कश्मीर की ईदगाहों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। नमाजियों ने मांगी जम्मू कश्मीर में अमन की दुआएं। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्फौल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा की कल यानी शुक्रवार से जम्मू में शुरुआत होने जा रही है और जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित आधार शिविर में कल सुबह पहला जत्था कश्मीर के लिए रवाना होगा। कोरोना से लगभग मुक्त होने के बाद ही अब श्री अमरनाथ यात्रा में देश दुनिया से आने वाले शिव भक्तों में ही बेहद उत्साह देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर तक बुनियादी ढांचे के साथ अन्य जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित बनाया गया है और सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अब तक करीब 3 लाख यात्री अग्रिम यात्रा पंजीकरण करवा चुके हैं और इस साल रिकॉर्ड यात्रा होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तमाम जानकारी के लिए शिल्पा हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन कर चुकी हैं। तो शिल्पा से जानेंगे किस तरीके से तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। शिल्पा, आपसे ये जानना चाहेंगे, अब तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं यानी कि कल पहला जत्था जो है वो अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होगा, इस बीच किस तरीके से तैयारियां हमें देखने को मिल रही है यात्रा को लेकर? जी, आपको बता दें कि इस वक्त हम भगवती नगर यानी कि बेस कैंप पे मौजूद है। यात्रियों का आना शुरू हो चुका है। जिस तरीके से आपने कहा कल जो है पहला जत्था रवाना होगा, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर तक सारी जरूरतों सुविधाओं का यहाँ पर जो है वो सुनिश्चित किया गया है और चप्पे चप्पे पर जवानों को सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। और यहाँ भगवती नगर की बात करिए तो जहाँ पर यात्री आना जो है वो शुरू हो चुके हैं और आपको ये भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यात्री जो है वो पहुंच चुके हैं और कल जो है वो पहला जत्था रवाना होगा। अब यानी कि 22 मई जिस तरीके से 44 दिन तक यात्रा देखने को मिली थी, जिसके चलते 20 दिन तक जो है यानी कि मौसम प्रभावित होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता, तो उस चीज से निपटने के लिए इस बार जो है जगह जगह स्थानों पर व्यवस्था की गई है यात्रियों को यानी कि श्रद्धालुओं के रुकने की, ताकि कोई भी परेशानियों का उन्हें सामना ना करना पड़े। जिस तरीके से 62 दिन तक की यात्रा चलने वाली है तो इस बार जो है वो रिकॉर्ड यानी कि इससे ज्यादा, जिस 2022 में जो आंकड़े सामने आए थे उससे ज्यादा जो है वो आंकड़े बढ़ते हुए भी नजर आएंगे। बिल्कुल शिल्पा, एक सवाल यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे इंतजाम किए हैं, लेकिन यात्रियों का इस पर क्या कहना है कि जो फैसिलिटीज उन्हें दी जा रही हैं, जहाँ पर वो रह रहे हैं रुक रहे हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज किस तरीके से उन्हें मिल रही हैं? माफ कीजिएगा, सवाल फिर से हो रहा है। शिल्पा, मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि जो तैयारियां हैं या फिर जो फैसिलिटीज हैं वो मिली, लेकिन अब क्या यात्रियों को वो फैसिलिटीज मिल रही हैं या फिर कहीं कुछ हद तक लूप होल जो है वो देखने को मिल रहे हैं? श्रद्धालुओं से उनका ये कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है, यानी कि सुरक्षा जो है व्यवस्था अच्छी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जिस प्रकार से उन्हें फैसिलिटी जो मिल रही थी, यानी कि अगर 2022 के मुकाबले इस बार देखा जाए तो इस बार जो है वो ज्यादा फैसिलिटी जो है वो लोगों को दी जा रही है, क्योंकि कई बार श्रद्धालुओं को जो है वो शौचालय को लेकर भी दिक्कत देखने को मिलती थी, खाने को लेकर भी दिक्कत देखने को मिलती थी। तो अब उन फैसिलिटीज यानी कि जितनी हमारी बातचीत हो चुकी है श्रद्धालुओं से, उनका ये कहना है कि 2022 से लेकर यानी कि 2022 से ज्यादा जो है फैसिलिटी जो है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी जोड़ना चाहूंगी कि पिछली बार यानी कि 7500 के करीब जो है वो श्रद्धालुओं को प्रतिदिन जो है वो भेजा जाता
जाता था 2 रूट से, यानी कि पहलगाम और बालटाल से। तो अब जो है वो 10,000 करके श्रद्धालुओं को भेजने की व्यवस्था की गई। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिल्पा तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे से शिल्पा, और वहीं पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि तैयारियां जो की गई हैं उसके बारे में शिल्पा ने हमें जानकारी दी कि बेस कैंप पे किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो चल रही है। और उस बीच अगर बात करें हम लोग, कल पहले जत्था रवाना होगा जम्मू से अमरनाथ यात्रा को लेकर, और इस बीच अब लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार एक रिकॉर्ड टूटेगा अमरनाथ यात्रा का, क्योंकि यात्रा जो है वो 62 दिनों की रखी गई है। इस बीच 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आने की संभावना जताई जा रही है। जम्मू में आज से श्री अमरनाथ यात्रा की को तत्काल यानी कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ भी कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन उन शिव भक्तों के लिए की जा रही है जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना करवाकर सीधे ही जम्मू पहुंच रहे हैं। शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित वैष्णवी धाम में भी श्रद्धालुओं की टोकन दिया जा रहा है उन्हें, और उसके बाद उन्हें शालामार इलाके में स्थित महाजन हॉल भेजा जा रहा है जहां पर तमाम औपचारिकताएं पूरी कर उनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है और भगवान शिव के जयकारे लगाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने जम्मू प्रशासन को सुविधाओं में कुछ और बेहतरी लाने का भी सुझाव दिया है, और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो उत्साह है वो शिव भक्तों में देखने को मिल रहा है। इस बीच उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। परेशानी अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है, हम लोग आसाम से आए हैं 11 लोग, और यहाँ सुविधा तो बहुत है और थोड़ा कमी भी है, और सरकार से अनुरोध करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सुविधा का पालन करें जिससे यात्रियों के असुविधा ना हो। बहुत उत्साह है अमरनाथ यात्री में, बहुत आनंद आ रहा है। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, सिर्फ सिम की तकलीफ है। सिम 400 रुपये का मिल रहा है, वो गवर्नमेंट ने देखना ही चाहिए अमरनाथ यात्रियों को, रेट कम करना चाहिए या तो फ्री देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सिम, हम 40 लोग हैं, 40 लोग में हम सिर्फ 4 सिम ले पाए हैं, और ज़्यादा यहाँ बिछड़ने का खतरा है। हम जम्मू पहुँचे हैं, महाजन हॉल में हम पंजीकरण मेडिकल कराने आए हैं, जो मेडिकल हो गए हैं, और ये फॉर्म भी मिला है हमारे को। हाँ हो चुका है सर। कब जाएंगे यात्रा? अभी हम आज निकल जाएंगे। मैं करीब 28 साल हो गया, और हर साल से इस तरह बहुत अच्छी सुविधा है, अच्छी दिख रही है, व्यवस्था बढ़िया है, हर चीज़ की सुविधा है। एक दो चीज़ों में अड़चन जा रही है, जैसा सिम कहती 250 का है, कहीं 300 का है, कहीं 400 का है, इसमें दिक्कत जा रही है। अनुभव बहुत बढ़िया रहा भोलेनाथ के आशीर्वाद से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। आप गवर्नमेंट अच्छी आई है तो मैं समझता हूँ कि और सुविधा दे यात्रियों को, बहुत बढ़िया सुविधा दे, चलने फिरने के लिए जो तकलीफ जाती है वो तकलीफ ना हो। हाँ जी, सब कुछ आराम से चल रहा है। अनुभव बहुत बढ़िया है, पिछले साल भी यात्रा बहुत बढ़िया रही थी, और इस साल भी यात्रा बहुत बढ़िया होने की उम्मीद है। बाबा बर्फानी, हम सबकी यात्रा मंगलमय करेंगे, और जितने भी 12 लोगों को हमारे साथ में रजिस्ट्रेशन हुआ है, हम सब 12 लोग कल प्रस्थान करेंगे और प्रकृति के सुंदर नज़ारों को देखेंगे वहाँ जा करके, बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे जाके, और बाकी सब बाबा बर्फानी की इच्छा पर निर्भर कर। सुविधा बहुत बढ़िया मिली है यहाँ, तो जहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ हुई है, और इतनी व्यवस्था ठीक है। तत्काल रजिस्ट्रेशन को लेकर जो पूरी तैयारियां की गई हैं, लेकिन वहीं पर चली आई हैं रितिका, हमारे साथ यहां पर जुड़ चुकी हैं, उनसे जानते हैं। रितिका, पहले तो एक जो परेशानी है वो ये है कि यहां पर इन्हें पनामा चौक से महाजन सभा जाना पड़ता है इतनी दूर, और उस बीच इनको रजिस्ट्रेशन की जो परेशानियां आ रही हैं उसको लेकर श्रद्धालुओं का कहना है कि थोड़ी औपचारिकताएं जो है वो इजी करनी चाहिए थी, सरल बनानी चाहिए थी। जी, आपको बता देना चाहिए यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। सबसे पहले रेलवे स्टेशन के पास सरस्वती धाम है, वहां से लाइनों में लग के इनको टोकन कलेक्ट करना होगा, और टोकन लेने के बाद इन्हें रेलवे स्टेशन से होते हुए यहाँ पे बाय मेटाडोर या फिर बाय रिक्शा या किसी भी साधन से इन्हें शालामार पहुंचना होगा, जहाँ पे महाजन हॉल में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जाएगी। विकास के लिए बता देगी कुछ 1 किलोमीटर सफर जो है ये रेलवे स्टेशन से शालामार तक का पड़ता है। लोकल्स को तो ये रूट बहुत अच्छे से पता है, परंतु यात्रा की जब बात की जाती है
उन्हें हल्की सी कंफ्यूजन भी होती है और महीनों में पहले से ही वो कई घंटों का सफर अपने राज्यों से करके आई होती है, तकान की वजह से उनकी समस्याएं आ रही है। और दूसरी समस्या जो आ रही है वो है की लखनऊ क्रॉस करने के बाद तमाम यात्रियों के जो सिम कार्ड है वो बुक पड़ जाते हैं। यहाँ पे आके अगर सिम कार्ड खरीदते भी हैं तो उन्हें शुल्क जो है वो बहुत ही ज्यादा अदा करने पड़ते हैं, जिसके चलते सीधा असर है वो उनकी मानसिकता पे पड़ता है और उन्हें समस्याएं आती जा रही है और साथ ही साथ सिम कार्ड की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही। तो वहीं पर रितिका एक सवाल यहाँ पर मेरा ये रहेगा कि क्या कुछ फैसिलिटीज रखी गई हैं और क्या कुछ प्रोसीजर है अगर आपको तत्काल में रजिस्ट्रेशन करवाना है यात्रा के लिए तो? रितिका मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या कुछ जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं या जो चीजें रखी गई हैं कि किस तरीके से ये प्रोसीजर क्या रहेगा अपने आपको रजिस्टर्ड करवाने का? आपको बता दें कि आधार कार्ड सबसे पहले कंपल्सरी रहने वाला है। पिछले साल जैसे यात्रियों को ये कहा जाता था कि आपको अपने साथ 2 से 3 यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो कैरी करने होंगे, परंतु इस साल वो जो प्रोसेस थी उसे बिल्कुल हटा दिया गया है। इस पर थंब इंप्रेशन लिया जाएगा, ऑनलाइन उनका सारा रिकॉर्ड जो है वो सिस्टम पे आ जाएगा और यहाँ पे अंदर बैरिकेड टाइप लगाए गए हैं जहाँ पे लाइनों में लग के तमाम श्रद्धालु अंदर पहुंचेंगे। आज वो पहला दिन है, 162 के करीब करीब यात्रा जो है वो यहाँ से रजिस्टर करवा चुकी है और टोटल रजिस्ट्रेशन की अगर यहाँ पे बात की जाती है यहाँ पे 3,04,000 के करीब करीब यात्री जो है वो अलग अलग सोर्सेज के थ्रू अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। पूरी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आईडी कार्ड जो है वो इन्हें दिए जाएंगे ताकि यात्रा में इन तमाम यात्रियों पे भी नजर रखी जा सके और इनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितिका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ रितिका और वहीं पर जिस तरीके से रितिका ने बताया कि क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और खासकर बात करें रजिस्ट्रेशन की तो जिनको इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन यानी कि तत्काल में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उनके लिए भी अब जो शिविर है वो बनाए गए हैं। ईद का त्योहार आज देश दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी आज ईद के अवसर पर ईदगाहों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है, जहां मुस्लिम समुदाय ने ईद की नमाज अदा कर देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर की शांति व खुशहाली के साथ साथ अपने अपने परिवारों की कुशलता की दुआएं मांगी। बात करें अगर जम्मू की तो यहां पर ईद के अवसर पर जगह जगह पर स्थित ईदगाहों में आज सुबह मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा कर एक दूसरे के गले मिलकर इस त्योहार की मुबारकबाद दी। कुछ सियासी दलों के नेताओं ने भी ईदगाहों में पहुंचकर नमाजियों को ईद की मुबारकबाद दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम तमाम इंसानों को जो दुनिया के अंदर रहते हैं, जिस मज़हब और जिस कम्युनिटी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उन तमाम को हम ईद मुबारक पेश करते हैं और दुआ गो है कि जिस तरीके से आज ईद के दिन हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ उठते बैठते हैं, गले लगते हैं, अपने खाने पीने में एक दूसरे को शरीक करते हैं, इसी तरीके से हमारी तमन्ना रहती है, कोशिश रहती है और दुआ गो रहते हैं कि हम इसी तरीके से अपनी दुनिया की ज़िंदगी को गुजारेंगे। नमाज के मौके पर भी हमने ये दुआ भी की, ख़ास तौर पर मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और तमाम दुनिया के इंसानों के लिए हमने ये दुआ की है कि हम अमन के साथ रहें, सुकून के साथ रहें और आफियत के साथ रहें। ईद के बारे में यही कहना चाहेंगे कि ये अमन, चैन, सुकून का त्यौहार है कि इसमें जो है ऊपर वाला हम सब के ऊपर जो है खुशियां दे, तंदुरुस्ती दे और अमन अमान रहे, चैन रहे, सुकून रहे और एक दूसरे के लिए दिलों में मोहब्बत रहे। जो अपने लिए अच्छा सोचे वो दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचे, तो ऐसे ही सोच रखेंगे, ऊपर वाला हर एक के लिए जो है भला करेंगे। तो इसी अमन चैन की मैसेज को लेके हम ईद में आते हैं, ईदगाह में आते हैं और जो है ईदगाह में अपने जो गुनाहों की तौबा करते हैं और अगली ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें उसके लिए ये अहद किया जाता है और कुर्बानी दी जाती है कि जो पिछले हमारे अकाबर आए, जो हमारे नबी आए, उन्होंने कैसे अपने बेटे की कुर्बानी देके अपने अल्लाह को राज़ी कर लिया। तो इस तरीके से हम भी जो हैं एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने के लिए जो हैं तैयार रहें कि हम जो हैं अमन चैन सुकून के लिए, अपने मुल्क के लिए, भाईचारे के लिए जो है आपस में जो है प्यार मोहब्बत के साथ रहें,
ये मुल्क जो है गुलदस्ता है, फूलों का गुलदस्ता की मानद है, तो एक दूसरे के साथ महकते रहेंगे। गुलदस्ता जो है अपनी जो है वो शान को कायम दायम रखता है। इसमें अलग अलग रंग हैं, अलग अलग जो है खुशबुएँ हैं, तो उसी को देखते हुए ये गुलदस्ता जो है वैसे ही महकता रहे, यही हमारा ये पैगाम है। खुशियाँ यहाँ पे बांटते हैं, हम भी गुरुद्वारा से ये दुआ करते हैं कि अपनी कृपा यहाँ पे बना कर रखें, मुल्क में हम मिलजुल कर रहे, भाईचारे के साथ रहे और मुल्क को मजबूत करने के लिए योगदान दें। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपनी इंतजामिया की तरफ से जुमला सेक्रेटरी साहब अहले इलाका मोहल्ला की तरफ से उम्मत मुस्लिमा को दिल की अमी गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दस्तबू दुआ हूँ कि अल्लाह ताला हमें ये ईद शादमानी बन के आए, मसरत और खुशियाँ बन के आए। अल्लाह ताला का हमद सना है कि आज देख रहे हैं कि जमे कफीर में यहाँ पर लोग ईद नमाज के लिए तशरीफ़ फरमा है, लोग आ रहे हैं और हमारा यही पैगाम है कि ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक फरीज़ा है, सुन्नत है, हमें इस फरीज़े को अमलन अपनाना चाहिए और ख़ासकर गुरबाग पे हमें नज़र रखनी चाहिए। जो मुस्तकीन है, ये जो कुर्बानी है, ये मुस्तकीन तक पहुँचाना हमारे ऊपर एक लाजमी फ़र्ज़ बनता है और साथ ही साथ में इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज के इस ओकेजन पे उम्मत मुस्लिमा से दुआ करता हूँ कि वो अपने अल्लाह जला शान से अपने गुनाहों के लिए मग़फ़िरत मांगे। बेशक एक इंसान गुनाहों में मुर्तकिब होता है और अल्लाह ताला ने मरते दम तक उसके लिए तौबे के दरवाजे खुले रखे हैं। जम्मू के अलावा सूबे के अन्य जिलों में भी आज ईद के त्योहार की रौनक देखी जा रही है। डोडा, कठुआ, किश्तवाड़ और पुंछ सहित अन्य जिलों में भी आज नमाजियों ने ईदगाहों में नमाज अदा की और एक दूसरे के गले मिलकर इस पर्व की मुबारकबाद दी। ईद पर इन सभी जिलों में सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। पैगाम क्या है? इसार और कुर्बानी का नाम है ये ईद, इसी से मंसूब मुतसिफ यही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियाँ की थी, उन कुर्बानियों में आजमाइशों में पूरे उतरे थे, तब जाके अल्लाह ताला ने एक मकाम और मनसब अदा किया था। ये पैगाम देते हैं कि हमको इसार और कुर्बानी कनात जब तक किसी कौम में नहीं हो सकता, कौम तरक्की नहीं कर सकती। फजूल खर्चे, इसराफ और ड्रग और क्राइम में जो मुलविस हो कौम हो सकती है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती है। सब भाइयों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, सबको शुभकामनाएं हैं, इन लोगों को, घर वालों को, सभी को। आप देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारी यूपी में जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी हमारे किसी भी रिलीजन का कोई फंक्शन होता है, ईद है, दिवाली है, वो एक फेस्टिवल की तरह मनाए जाते हैं। हम लोग सब इकट्ठे होकर मिल के बनाते हैं। ये परंपरा चलती आई है, ये हमेशा चलती रहेगी, ये भाईचारा हमारा हमेशा रहेगा। पैगाम यही है कि शांति रहे, अमन रहे, सब लोग खुशहाली में रहें और सब खुशी से रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर। ईद के बड़े ही पावन अवसर पर आज आपने देखा कि पूरे पुंछ ज़िला में तमाम लोगों ने यहाँ पर ईद की नमाज अदा की है और सबने मिलकर ये दुआ की कि अमन और यहाँ पर पीस जो है वो बना रहे, यहाँ पर जो लोगों का आपस में भाईचारा है वो भी बना रहे। आपने देखा होगा कि तमाम रिलीजियस लीडर्स और उसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो एक दूसरे को गले मिलकर यहाँ पर मुबारक दे रहे हैं और ये मुबारक मैंने खुद जो महसूस की कि सब अपने दिल से एक दूसरे को यहाँ बहुत प्यार और मोहब्बत लोग करते हैं और एक दूसरे के जो रिलीजियस फंक्शन हैं उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो मेरी यही दुआ है और हम सब ने मिलकर ये कामना की है, ऊपर वाले से ये प्रार्थना की है, दुआ की है कि इस तरह का भाईचारा पूछ में बना रहे। आरएसपुरा के गांव चक आगरा में बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ी गाड़ी में आग लग गई, जिससे कि कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई और गाड़ी मालिक के मुताबिक अभी 15 दिन पहले ही उसने नई गाड़ी खरीदी थी और बीती रात शादी समारोह में शामिल होने के बाद उसने अपनी घर पर गाड़ी खड़ी कर दी, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद अचानक गाड़ी में आग लग गई और जलकर राख हो गई। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है, मैं रात ब्याह तो आया था कोई अपना 11:30-12 बजे कन्नै,
मैं गड्डी लाई है, मैं गड्डी लाई खाली घर गया, गड्डी लेके घर गया तो पिछू मैं फोन आई है कि गड्डी तुंदी की अग लगी है। जियां इत्थे पुज्जने आ गड्डी मेरी टोटल लाश होई जांदी है, गड्डी सारी अंदरू पूरी टोटल खत्म होई गई है गड्डी मेरी। तो कोई कारण पता लगा अग किस तरह लगी? कारण सर जो मैं गड्डी लिया आया वो तो प्रॉपर ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग या वायरिंग की वजह से कुछ होया होना है। गड्डी जो लैते तो मैं कोई 15 दिन भी नहीं होया, 15 दिन होया गड्डी लैते थे, हुंडई की गड्डी है, हुंडई i20 इनकी वायरिंग की वजह से बैटरी की गड्डी गई उन्हें वो वजह से पूरी गड्डी की अग लगी है, गड्डी जी टोटल खत्म हो गई है पूरी। चिनाब दरिया का जलस्तर बढ़ने के कारण अखनूर में किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। चिनाब दरिया का जलस्तर बढ़ने से अखनूर की पंचायत गढ़खाल में किसानों की तरबूज की 80 कनाल जमीन में लगाई गई फसल जलमग्न हो गई है। किसान अपनी जान पर खेल कर पानी में जाकर तरबूज बाहर निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कर्ज लेकर उन्होंने फसल लगाई थी, लेकिन अब दरिया चिनाब का जलस्तर बढ़ने से उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। किसानों ने प्रशासन से नुकसान का जायजा लेकर उन्हें मुआवजा देने की बात कही है। वहीं पर तहसीलदार मंजीत सिंह ने भी किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। दूसरी ओर भारतीय सेना के जवान भी किसानों की मदद में जुटे हुए हैं। सर 20% जो खेती है वो हमने कोशिश करके थोड़ी बचाई है, कुछ ट्यूबों पे ला रहे हैं, पर ट्यूबों पे इतना सामान हम ला नहीं सकते हैं। अभी भी 80% जो हमारी खेती है मतलब के पार नदी के पार है। अगर प्रशासन हमारी कुछ मदद करे कि वो 80% हमारी बच सकती है वो भी ठीक, तो वो तो हमें कोई उम्मीद अभी तक तो कोई लग नहीं रही थी प्रशासन से। अगर हम तो यही चाहते हैं, किसान मैं अकेला नहीं हूँ, कम से कम और 25 किसान हैं, क्योंकि वो पानी में नहीं आ रहे। हम तो फिर चलो ट्रैक्टर पे इधर उधर करके थोड़ा बहुत हाथ पांव मार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और हम इतने मजबूर हो चुके हैं, हमारा तो मन ही नहीं करता अब घर जाने का। अब हमें भी रिस्क लग रहा है कि पानी में कहीं बह ना जाए, हम इसलिए मजबूर हैं। चलो कुछ ना कुछ बचा के, किसी का कर्जा कोई हमारे घरों में आएगा परेशान करेगा बाद में हमें कर्जे के लिए, हम चाहते हैं किसी का कर्जा थोड़ा बहुत हल हो जाए जी। इसी के लिए हम तो इतना रिस्क में फंसे हैं, हम तो यही चाह रहे हैं कि चलो प्रशासन हमारी अभी मदद करे, कुछ ना कुछ तो हल हो जाए कोई। हम कल रमेश जी डिबकॉम से भी मिले थे, EDC हरविंदर से भी मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप जाओ आपके लिए कोई जा, आर्मी वाले भी कल आए थे, उन्होंने भी आके इधर मुआयना किया, दौरा किया इसका। लेकिन अभी जो बोल रहे हैं हम बनाएंगे ट्यूबें वाला पुल बनाएंगे, जो किसानों का जितना भी खरबूज है वो बाहर निकालेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ माननीय मनमोहन सैना जी से कि हमारी आवाज़ है जी किसानों की जो सुनी जाए, इनकी हेल्प की जाए, जैसे भी हो इनका तरबूज बाहर निकाला जाए। किसान इतना गरीब है बेचारा, इन्होंने लोन लिया हुआ है तो कर्जा लिया हुआ है, आड़तियों से लिया है, हर किस्म का इन्होंने खर्चा किया हुआ है, लेकिन 3 महीने से 4 महीने से इधर ही डेरा लगाया हुआ है। तो मैं कहता हूँ उन किसानों को बेचारों को बचाया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की तरफ से हमें एक मैसेज आया कि दरिया चुनाव का जो लेवल है बढ़ने के कारण वाटर मेलन की फसल है वो 1000 ऑफ टन्स के हिसाब से जो है वो स्टक हो गई है, एक क्लोज्ड आइलैंड शेप ले ली है चिनाब ने, और जो तैयार फसल है वो वेस्ट हो रही थी। तो हम लोग प्रगवाल तहसील की सारी टीम यहाँ पे पहुँचे हैं, और हमने आर्मी वालों की हेल्प भी ली है, आर्मी के ऑफिसर्स और उनकी टीम भी यहाँ पे पहुँची है। हम मौके की असेसमेंट कर रहे हैं, और असेसमेंट काफ़ी डीप अंदर जाके आर्मी वालों ने अपनी टीम के साथ, इंजीनियरिंग विंग के जो लेफ्टिनेंट थे इनके, वो भी अंदर गए हैं। उन्होंने वहाँ पे क्या एक पॉसिबिलिटी है एक आर्टिफिशियल ब्रिज क्रिएट करके, सो दैट कि जो फसल वहाँ पे स्टक हो गई है वो वेस्ट नहीं हो और किसानों की जो मेहनत है वो बेकार नहीं हो, उसी चीज़ में उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए थे। और जो डिटेल्ड असेसमेंट कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स किस तरह से कलेक्ट करेगी आर्मी, वो सारी असेसमेंट चल रही है, उनकी टीम हायर अथॉरिटी से टेकअप कर रही है मैटर, किस तरीके से पुल बना सकते हैं हम लोग सो दैट की जो इनकी फसल जो है वो बच सके। आरएसपुरा के विभिन्न क्षेत्रों में खुले में पड़े बिजली के ट्रांसफार्मर को लेकर स्थानीय लोगों ने हादसे की आशंका जताई है। स्थानीय लोगों की माने तो आरएसपुरा के असलमा चक, कोला कोठी, सिया चक, ममका, कोठली मियां फतेह आदि स्थानों पर ट्रांसफार्मर के चारों ओर तारबंदी न होने से
और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसकी तरफ बिजली विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द खुले में पड़े सभी ट्रांसफार्मर की तारबंदी की जाए। ट्रांसफार्मर बारे च के आखना, बिजली डिपार्टमेंट है जेड़ा, वो आपे उन्हें ध्यान करना चाहिए कि जिथे जिथे भी ट्रांसफार्मर लगे दे सारे सारे जेड़े ओपन पे दे, नंगे पे दे, क्योंकि बच्चे कोई स्कूल जा दे, कोई सैकल चलांदा जंदा, कोई कुछ करता, इस करिए बच्चे की कोई इन्ना सेंस नहीं होंगी, इस करिए बच्चा कोई वो कन्ने हाथ लगाई उड़ूग तो बच्चे की भी जान जा सकती है। वो अलावा साढ़े एरिए जिते आर एस पुरा बिशनाह सतवारी वगैरह कुछ जगह तो ऐसा होया कि जेडे लोगों बेचारे पशु ने जोड़े वो जो जो जरूर मूँह मारते सिंग मारते तो वह जोड़े बेचारे गरीब लोगों उधार चुकी पशु ले देने पशु है जोड़ा एक एक 50,000 को लेइए 1,00,000 रुपये तक एक पशु का जोड़ा कीमत है तो वह लोग बेचारे कुथों पशु लेंगन। अस चाहते हैं कि बिजली डिपार्टमेंट आए ने जोड़े वो अपने कोई फंड फुंड जोड़े भी होंगे उन्हें अपने डिपार्टमेंट के उस फंड चा पैसा क्ढ़ीए उन्हें मतलब आसे पासे जिन्ना भी चारों तरफ जिहड़ा जां तो कोई जाला लाई उन जां कोई कंडे वाली ऐसी तार लाई उन जिहदे कन्ने के खतरा जिहड़ा घटी जा। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।